नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन नाम के इस चैनल में। दोस्तों, हम बिहार पीसीएस की तैयारी के दौरान, 62वीं बिहार बीपीएससी की तैयारी के दौरान हम बात कर रहे थे बिहार के इतिहास और संस्कृति की, जिसमें हमने स्रोतों की बात कर ली है, पूर्व ऐतिहासिक काल की बात कर ली है, ऐतिहासिक काल का आरंभ हो चुका है, ये भी पूरा हो चुका है, महाजनपद पे हम आके टिके थे। मतलब आज हमें महाजनपद पढ़ना है और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो मतलब स्रोत, पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ और ये इतने सारे हो चुके हैं। आपको बताते चले कि हमने बिहार की जनगणना, बिहार के आधुनिक भारत का इतिहास और साथ ही बिहार के भूगोल के तहत बिहार की जलवायु, बिहार की मृदा को हमने कवर कर दिया है। आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाजनपद के बारे में। चलिए शुरू करते हैं फिर। महाजनपद, ये रहा आपके महाजनपद आ गया। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बताते चलें, जो इस बार जो अभी चैनल पे नए हैं वो तुरंत नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल कितने 16 महाजनपदों का उदय हुआ? इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे? इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे? ये रहे ऑप्शन आपके सामने और देख लीजिए। आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड है और ऐसे ही आगे चलता रहेगा और थोड़ा आगे जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना खींचे। और आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शन देख करके आंसर दिमाग में रख लें अपने, और लास्ट में कमेंट में आप बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में से कितने जनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे? तो इसमें से बी सही जवाब है 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो ऑप्शन सी सही जवाब है, वत्स। वत्स महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, जबकि आपका अंग, वज्जी और मगध ये बिहार में स्थित थे। वत्स आपका बिहार में स्थित नहीं था, ये महाजनपद ऐसा है जो बिहार में स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो ऑप्शन सी सही जवाब है, भागलपुर एवं मुंगेर। भागलपुर एवं मुंगेर इसमें अंग महाजनपद का विस्तार पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंग महाजनपद की राजधानी थी? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप महाजनपदों से जितने हम क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर इतने क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो निश्चित मान के चलिए यहाँ से आपका फंसना ही फंसना है। अगर आएगा भी तो आप कर ले जाएंगे, बशर्ते आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए और अंत तक देखिएगा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। डी सही जवाब है इसका, चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत की 6 महानगरियों में की जाती थी। चंपा की गणना बुद्ध के समय तक भारत की 6 महा जो नगर थे उसमें इसकी गणना होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो इसका सही जवाब है बी, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी थी? आपको बताना है कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी और उस स्थान का नाम क्या था। तो इसका सही जवाब है गिरिवरज, राजगीर, जिसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। और यही राजगीर आगे चल के पाटलिपुत्र बना, लेकिन फिलहाल पूछ रहा है मगध महाजनपद की राजधानी थी तो गिरिवरज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, चंपा नदी। मगध तथा अंग महाजनपद को चंपा नदी पृथक करती थी। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? इसका सही जवाब है वज्जी। बिहार में स्थित वज्जी जो ऐसा महाजनपद है जो 8 राज्यों का एक संघ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? वज्र संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही जवाब है डी, चेद। वज्र संघ में आपका चेद राज्य सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्र संघ की राजधानी थी? तो
वज्र संघ की राजधानी वैशाली है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। वैशाली जो है ये लिच्छवियों की भी राजधानी थी और लिच्छवी वज्र संघ से ही सम्मिलित थे, मतलब संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो इसका सही जवाब है बी वज्र। वज्र महाजनपदों में एक गणतंत्र गणतंत्रात्मक क्षेत्र था या राज्य था जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12वें की, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी किया जा चुका है और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप 65वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बिहार जीके के क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इसमें से मैं कहूंगा ये इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है वैशाली। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली थी, वैशाली में पाई जाती है। तो देखते हैं यार हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है कि प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था में वैशाली में ही दिखाई पड़ती है, जो कि आज हमें कहा जाता है ना दूसरों से ढाल ली है, जबकि हमारी ये व्यवस्था गुड गवर्नेंस की आपकी वैशाली में ही दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब है गिरिवज, राजगिरी, जिसका नाम आगे चल के पाटलिपुत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक क्या था? प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था डी अंग। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक अंग भी था। बाकी तीनों ऑप्शन जो दिए हुए हैं चंपा, नालंदा, वैशाली, ये प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? या मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। महाजनपद युग में पावापुरी मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? मल्लगढ़ राज्य की। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की। थोड़ा ये टॉपिक लंबा खींचेगा, जैन धर्म काफी लंबा टॉपिक है। आज सिर्फ महाजनपद और जैन धर्म के बारे में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म पे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जैन धर्म के बारे में भी देख ही लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है सी कुंडग्राम में। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, अंतिम तीर्थंकर और 24वें का 24वां कर्म था। महावीर का जन्म पूछ रहा है तो सी सही जवाब होगा, कुंडग्राम, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? पूछ रहे हैं साहब कि महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है, तो ये वैशाली में है। महावीर स्वामी के जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध आपकी वज्र संघ से था। सिद्धार्थ जो है वज्र संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के, सॉरी ज्ञात्रिक होना चाहिए, ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। सिद्धार्थ ज्ञात्रिक वंश के थे। नेक्स्ट बात करते हैं, महावीर स्वामी की माता त्रिशला, जिनका नाम विदेह दत्ता भी था, किस राज्य की राजकुमारी थी? तो लिच्छवियों की। लिच्छवी किससे संबंधित थे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। लिच्छवी के बारे में नीचे दिया गया है, त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी। कोई बात नहीं, आपको ये बताना है लिच्छवियों के बारे में एक खास विशेष गुण है, विशेष विशेषता है इनकी, वो आपको बताना है कमेंट में। चलिए इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। महावीर स्वामी की माता त्रिशला, जिनका नाम विदेहदत्ता था, वो कहाँ की राजकुमारी थी? तो वो लिच्छवियों की राजकुमारी थी। आगे बढ़ते हैं, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। सोचने वाली बात है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो जहाँ उनकी मृत्यु हो रही होगी, पावापुरी में, बिहार के नालंदा जिले में, जो कि स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, पावापुरी में महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु अर्थात निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है बी पावापुरी में, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी पावापुरी में दिया। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है डी स्थूल भद्र ने। प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूल भद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए। कौन कौन से कार्य हुए आपको ये बताने हैं। तो जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया, या जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का पढ़न किया गया, और जैन धर्म के दो भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ। तो इसका सही जवाब यही लगता मुझे, ऑप्शन बी, कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन जब हुआ पाटलिपुत्र में, तो उसमें जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का पढ़न किया गया और जैन धर्म के दो भागों श्वेतांबर और दिगंबर में इनका विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्यारहवां, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज की जन्म स्थली थी, जिसका ऑप्शन है सी चंपा। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज की जन्मस्थली थी सी चंपा। तो दोस्तों हमने महाजनपद, हमने क्या, हम आप सभी ने महाजनपद और जैन धर्म के बारे में अच्छे से डिस्कस किया, क्वेश्चन भी देखे। दोस्तों इससे बाहर तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता 65 BPSC में अगर पूछा भी जाएगा तो इसी के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बस इतना ध्यान में रखिएगा, अच्छे से वीडियो देखिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लें, क्योंकि आगे भी इससे वीडियो आते रहेंगे, बिहार PCS की तैयारी और बिहार GK से संबंधित, इससे संबंधित वीडियो आते रहेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।